तो हे गाइस, आपका मेरे YouTube वीडियो में स्वागत है। खुशी के दो रीज़न है। पहला खुशी का रीज़न है कि मेरा भैया पास हो चुका है 95% से, और दूसरा रीज़न है कि YouTube का फर्स्ट सेल आ चुका है। इसके बाद हमारे पास थोड़े बहुत पैसे बचते हैं, तो भाई हम वृंदावन चले जाते हैं घूमने के लिए। फिर हम महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे। इस ब्लॉग में बने रहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का डे मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि आज मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आया है मेहनत करने के बाद काफ़ी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस 10K हो चुके हैं। और मेरे दो इंस्टाग्राम नहीं दो इंस्टाग्राम और दो यूट्यूब चैनल हो चुके हैं। एक तरीके से मान लो कि एक मैंने भाई को दे दिया है और एक मैंने दे दिया है। पिंपल हो चुका है, पिंपल को इग्नोर कर देना, और रेड हो रखा है। और हम अभी जाने वाले हैं, किधर पता है, अभी वीडियो में बने रहिए। अब हम जाने वाले हैं मंदिर घाटू श्याम के, और उनके दर्शन लेंगे और कुछ प्रसाद में जैसे कुछ ठंडा वंडा पिलाएंगे सभी को, और अपनी तरफ से यूट्यूब की फर्स्ट सेल ली है जो। ठीक है, तो चलो चलते हैं, सीधे आपको मिलते हैं मंदिर में। तो जैसे कि भैया मम्मी वगैरह चले जाएगा घर पर और हम जाएंगे शॉप पर। फिर हम आए लंच टाइम में, तो पता चला कि भैया अच्छे नंबर से पास हो गया, तो फिर हमने काफ़ी सारे पटाखे फोड़े। फिर शाम को अचानक से प्लान बन जाता है वृंदावन घूमने का, वो भी दोस्तों के साथ। जो शॉप के जो लोग हैं उनके साथ चले जाते हैं हम वृंदावन घूमने के लिए। थोड़ी देर में तो जैसे कि दोस्तों हम निकल जाते हैं भरतपुर से वृंदावन की ओर, वो भी 11 बजे, और हम पहुंच जाते हैं 1 बजे। और जब हम पहुंच जाते हैं तो भैया हमको बाहर से दर्शन हो जाते हैं प्रेम मंदिर के। जब हम प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं तो भैया हम सड़कों पर घूम रहे थे वैसे ही, क्योंकि भैया कोई इशू नहीं था। भैया सुबह तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, और रात को ठंडे ठंडे में हमने दर्शन भी किए। और आपको ये लाइटिंग दिख रहा होगा, ये बहुत अच्छा है। और हम अपने दोस्तों को दिखा देते हैं, थोड़ा कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं कार के अंदर, एक जना पीछे पड़ा है जो आराम से लेटा हुआ है। और अब आपको रूम के बारे में बताते हैं किस तरीके से मिलते हैं। हाँ भाई, रूम यही है पास में ही है। कितने रूम में है, कितने लोग हो? सात। सात लोग, फिक्स रेट हॉल दे देंगे 1600 रुपए एसी। एसी एसी क्या घंटा का जाए, कितने घंटा का जाए? सुबह 12 बजे चेक आउट। ठीक है, हम प्रेमानंद जी देख के आ रहे हैं। प्रेमानंद जी कितनी देर में निकले? 2 बजे। पीछे रास्ता है ना, पीछे इधर से भी, इधर से भी है, दोनों साइड से। कोई जुगाड़ है क्या, जल्दी हो जाए, जल्दी आगे लाइन से पहले पहुंच जाए। जुगाड़ को भीड़ ही कहाँ है अब। अच्छा, तो सीधे साक्षात बांधू बिहारी किधर है? बाकी बिहारी सामने 400 फीट का याडा बंद है, चली बंद है ना, सुबह हो जाएगी दर्शन हमारे। सुबह ब्रह्मानंद जी का आश्रम किधर है? पीछे केली कोल बैग लगा ली मेल आ रहा है, मेल मेल केली कुंज मेल 1600 में 6 बेड है ना, और व्यवस्था वाला बोलो। तो हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, और हमारा टोटल टीम है कितना, 1 2 3 4 5 6 जने हैं, 6-7 जने। और देखो इतना सारा भीड़ हो रहा है। ये किस लिए बैठे भैया? ये वो प्रमान महाराज जी आ रहे हैं ना, उनके दर्शन के लिए बैठे हुए सारे लोग। अच्छा, और देखो कितने अच्छे यहाँ पर, क्या फूलिंग सजाई हुई है, सभी लोग देखो घर सड़कों पर बैठे हुए हैं यहाँ पर। फूल इसमें भर जाएंगे, फूल मिले। ये हमारे भाई साहब है, इनके साथ आए हम। तो ये दूसरे भैया हमारे, तो हे गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने दोस्तों के साथ वृंदावन की गली को घूम रहे हैं, और रात का जो हो रहा है वो हो रहा है 1, तो हम भैया इंतजार कर रहे हैं प्रेमानंद जी का।
तो हमको पता चला प्रेमानंद जी तो ये 2 बजे आएंगे, तो हम पहले क्या करते हैं एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढते हैं चाय पीने के लिए सभी लोग। तो हमको फाइनली एक अच्छा सा लोकेशन मिल जाता है चाय पीने के लिए। तो चाय का जो रेट था भाई हमने पूछा था तो 20 रुपीज़ बताया है हमको, और प्लेन मैगी का 40 रुपीज़ और वेजिटेबल्स का 60 रुपीज़। ठीक है, तो हम भाई हमको तो कोई ज़रूरत नहीं था खाने के लिए क्योंकि हम तो पहले से सामान लाए थे खाना पीने के लिए। तो हमको भाई चाय तो भैया इनका बहुत फेवरेट लगा चाय, वृंदावन की भैया चाय भैया 1 नंबर है, 10 में से 10 दूंगा। हाथ ना बाको, एक हाथ ना बाको, अरे बाको एक हाथ ना है। तो जैसे गाइस आपने प्रेमानंद जी के दर्शन किए, और आपको बता देता हूँ कुछ इस तरीके से सजावट होती है हर रोज़ रात को। तो हम निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, काफ़ी भीड़ था तो हम सुबह पहुँच जाते हैं 5 बजे। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।